हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टेड एपिट स्टेड एपिड की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में बात करूंगा आरपीएफ के कुछ सिलेबस के बारे में आरपीएफ और ग्रुप डी रेलवे ग्रुप डी के बारे में बात करूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि जो क्वेश्चंस आएंगे वो किस लेवल के होंगे और किस कैटेगरी से क्वेश्चन आएंगे और क्या क्या इसका सिलेबस होगा यदि आप हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो का यदि आप डायरेक्ट लिंक चाहते हैं अपने मोबाइल नंबर पर तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम पे आप स्टडी रेपिट डाल के सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ से डायरेक्ट आपके मोबाइल पे ईमेल चला जाएगा या अलर्ट चला जाएगा नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा आप क्लिक करके वहाँ से वीडियो भी देख सकते हैं यदि अभी तक आपने हमारा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप फेसबुक पेज लाइक कर लीजिए वहाँ पर भी आपको इस वीडियो का पी या टेक्स्ट आपको मिल जाएगा आप कोई फीडबैक या सजेशन देना चाहते हैं तो स्टडी रैपिड एट जी मेल डॉट कॉम पर आप सजेशन या फीडबैक दे सकते हैं आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं स्टडी रैपिट डॉट इन आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं ये जो वीडियो होगा डेडिकेटेड है आर पी एफ रेलवे के जितने भी कैटेगरीज़ के एग्जाम होते हैं ग्रुप डी या लोको पायलट के लिए एस 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 सी जी एल सी पी ओ सी एच एस सी एच एस एल एस एम टी एस और सी जी एल के लिए लेखपाल ईसाई SI, पुलिस सभी में आपके लिए हेल्पफुल होगा ये वीडियो तो चलिए बात करते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे किस तरह से क्या सिलेबस है देखिए जो आर का सिलेबस है और रेलवे ग्रुप डी का सिलेबस है दोनों बराबर हैं सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में साइंस के क्वेश्चन आएंगे जनरल साइंस के क्वेश्चन होंगे टोटल और ज़्यादातर क्वेश्चन ज़्यादा साइंस के होंगे और हिस्ट्री केमिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस जियोग्राफी इस तरह से क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में होंगे इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि संवेक जो सदिश राशि है या आदिस राशि है इसके बारे में बताइए इसमें जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं वो है सदिश राशि ये इसका राइट right आंसर है सदिश राशि तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है पूरी दुनिया में वो 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया था ये जो क्वेश्चन है वो वर्ल्ड लेवल का क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट डेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है ये तो ये ये भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगला क्वेश्चन देखते हैं हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अगला भी कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था भारत का जो अंतिम वायसराय था उनका नाम है लॉर्ट लॉर्ट माउंट बेटन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में कई बार एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है और किस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं तो उनका नाम बताइए उस रूल का नाम बताइए जिसे क्रिया प्रतिक्रिया नाम से भी जाना जा जाता है वह न्यूटन का तीसरा नियम न्यूटन का थर्ड नियम कहता है क्रिया प्रतिक्रिया के नाम से भी जानते हैं और किस भारतीय ने सबसे पहले नोबल प्राइज पाया था इंडिया में इंडिया में सबसे पहले जो नोबल प्राइज़ दिया गया था वो रविन्द्र टैगोर को दिया गया था जो कि गीतांजलि के लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दबाव यानी प्रेशर प्रेशर का जो फार्मूला है वो क्या है प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया यानी बल बटे क्षेत्रफल होता है फोज का सूत्र कभी कभी एग्जाम में सूत्र भी पूछ लिया जा सकता है या आपसे तो बल दे दिया जाएगा या क्षेत्रफल दे दिया जाएगा उसका मेजरमेंट और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसका प्रेशर कितना या दबाव कितना होगा तो आपको याद होना जरूरी है यदि आपको फार्मूला याद रहेगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ये मैथमेटिक्स है या साइंस रिलेटेड क्वेश्चन है और क्वेश्चन है साइंस का बट साइंस में भी कुछ इस तरह से फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं लाउड स्पीकर जैसे हम गाने सुनते हैं लाउड स्पीकर जो ऊर्जा उत्पन्न उत्पन करती है किस तरह से ऊर्जा उत्पन्न करती है यानी कैसे ट्रांसफर ट्रांसफर करती है ऊर्जा को तो वो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में ट्रांसफ़र करती है जैसे आप उस उसमें करंट डालते हैं या डी होता है या ए सी करेंट होता है तो उसको साउंड में तब्दील कर देता है तो उसे कहते हैं ध्वनि ऊर्जा रेडियम की खोज किसने किया था रेडियम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेडियम की जो खोज किया था मैडम क्यूरी ने किया था रेडियम की खोज ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मल्टीपल टाइम्स दिस क्वेश्चन केम इन और कम्पिटेटिव एग्जाम्स ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तलवंडी जो प्लेस है इट्स अ वेरी पॉपुलर प्लेस बट ये प्लेस किस व्यक्ति से संबंधित है यानी किस व्यक्ति से ये कॉन्टेक्टेड कनेक्टेड है ये गुरु नानक जी से कनेक्टेड है यानी गुरु नानक जी से संबंधित है ये स्थान रसायन विज्ञान केमिस्ट्री द फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है या किन का नाम है फादर ऑफ़ केमिस्ट्री फादर ऑफ़ केमिस्ट्री कहा जाता है जो कि बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हैं लेवायसियर लेवायसियर को कहा जाता है रसायन विज्ञान के जनक या फादर ऑफ़ केमिस्ट्री जिप्सम का फार्मूला क्या है जिप्सम का फार्मूला है सी एस ओ फोर डॉट टू एस टू ओ केमिस्ट्री से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं केमिस्ट्री का कोई डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया जाएगा आपसे एग्ज़ाम में तो आपको याद होना बहुत जरूरी है बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं जिनके जैसे सूत्र आपको पता होना चाहिए कार्बो जैसे आपका पूछ लिया जाएगा फिटकरी का फार्मूला क्या है ठीक है नमक का फार्मूला क्या है तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में तो ये याद होना ये डायरेक्ट मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनमें कोई बहुत ज़्यादा फार्मूला आपको सॉल्व करने के लिए नहीं पूछा जाएगा केवल आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको याद होना बहुत जरूरी है जब लोहे में जंग लगता है यानी जो लोहे में जब रस्ट पकड़ता है इंग्लिश में जो वर्ड है रस्ट तो उसका वजन घटता है या बढ़ता है ये आपको बताना है लोहे में जब जंग लगता है तो उसका वज़न क्या होता है वो बढ़ जाता है घटता नहीं है उसका वजन बढ़ जाता है क्योंकि एक रासायनिक क्रिया है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है यानी वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो सेवन्थ ऑफ अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर सात अप्रैल को चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं वीरभूमि किस महान व्यक्ति की समाधि स्थल है वीरभूमि जो कि न्यू दिल्ली में है नई दिल्ली में वीरभूमि जो संबंधित है वो राजीव गांधी संबंधित है तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह से भी क्वेश्चन आएंगे क्योंकि इस वीडियो में आपको पॉलिटिकल साइंस से हिस्ट्री से क्वेश्चन ज्योग्राफी से क्वेश्चन ठीक है जो पॉपुलर सेलिब्रिटीज से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डेज से क्वेश्चन जनरल साइंस से क्वेश्चन सारे कंबाइन हैं आपको केवल एक सैम्पल वीडियो है ये इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में तो आपको याद होना बहुत ज़रूरी है कि क्या सिलेबस होगा सिलेबस मैंने इस, इसके प्रीवियस वीडियो में बता दिया है तो आप उसको याद करके देख लीजिए एक बार वीडियो को लाफिंग गैस जो कि इसका रासायनिक नाम क्या है इसका नाम रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड जिसे हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है तो ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और इजी सा क्वेश्चन है तो ये याद होना बहुत ज़रूरी है क्या आप जानते हैं कि एक्थोलॉजी एक्थोलॉजी के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है एक्थोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन जो किया जाता है वो फिश यानी मछली का अध्ययन किया जाता स्टडी ऑफ फिश का अध्ययन जो किया जाता है दैट विज्ञान या दैट साइंस इज कॉल्ड एथोलॉजी एथोलॉजी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट 2017 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस महान व्यक्ति को दिया गया है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2017 में जो दिया गया है वो विनोद खन्ना को दिया गया था चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गदर पार्टी की स्थापना किस महान व्यक्ति ने किया था गदर पार्टी की जो स्थापना की गई थी वो लाला हरदयाल जी ने किया था लाला हरदयाल जी ने किया था गदर पार्टी की स्थापना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन हो जाइए वो ये क्योंकि टेलीग्राम एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वहाँ पर आपको डायरेक्ट आपके मोबाइल पर अलर्ट चला जाएगा आप देख सकते हैं वीडियो आसानी से पुरातत्व संबंधी जो अध्ययन किया जाता है उस विज्ञान का नाम बताइए जिसके अंतर्गत पुरातत्व का अध्ययन किया जाता है वो विज्ञान है आर्कियोलॉजी आर्कियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है पूरा तत्व का पूरा तत्व से संबंधित अध्ययन किया जाता है और आर्कियोलॉजी की जो वर्ड है ना इंग्लिश का ये भी सेंटेंस कलेक्शन तो नहीं का वर्ड कलेक्शन में आता है कि तो आपको चार ऑप्शन दिया जाएगा आपसे पूछ लिया जाएगा कौन सा राइट ऑप्शन है इसमें तो आर्क्योलॉजी का जो स्पेलिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये भी आपको याद कर लेना चाहिए भारत में वित्त आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी भारत में जो वित्त आयोग की स्थापना हुई थी उन्नीस में यानी नाइनटीन में हुई थी वित्त आयोग की स्थापना भारतीय ध्वज ये नेशनल फ्लैग जो है अपना है भारतीय ध्वज उसकी लंबाई और चौड़ाई का जो रेशो है वो क्या है वो है थ्री इंस टू टू बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है ये कर्नाटका में है कर्नाटका की जो कैपिटल है बेंगलोर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कर्नाटका में बहुत सारे रिजर्व हैं जो कि टाइगर रिजर्व है जहाँ पे टाइगर्स हैं चीते की प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे वहाँ पे योजनाएं आयोजित की जाती हैं जिससे लोग बाग उसको देख सकें और वहाँ के उस जनरेशन को आगे बढ़ाया जा सके चलिए देखते हैं पंचमढ़ी पर्वत कहाँ पर पाए जाते हैं पंचमढ़ी पर्वत पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वह भोपाल तो आपको कैपिटल और स्टेट याद होना बहुत ज़रूरी है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसी के साथ आपको कैपिटल और सभी स्टेट के कैपिटल आपको याद होने चाहिए और उनके नेशनल जो भी फ्लावर्स हैं नेशनल उनके जो सिंबल है ठीक है ये भी याद होना बहुत जरूरी है रामायण आप जानते हैं रामायण के जो रचयिता हैं उनका नाम बताइए रामायण के रचयिता जो कि संस्कृत में लिखा गया रामायण पूरा वो है वाल्मीकि जी ने किया था रामायण का विमोचन जो कि रिटर्न राइट किया कंपोज किया था कादम्बरी की रचना किसने किया था कादम्बरी की रचना की गई थी वो बाड़ ने किया था कादम्बरी की रचना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू ताकि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे ये वीडियो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में ताकि लेटेस्ट वीडियो जो भी अपलोड होते हैं इस चैनल पर आपके पास ऑन टाइम पहुँचते रहें और आप उस वीडियो का लाभ उठाते रहिए यदि आपका कोई फीडबैक या सजेशन है आप बाई ई भी कर सकते हैं ई करिए अपने सजेशन बताइए कि ये इस तरह से वीडियो चाहिए इस टॉपिक वाई वीडियो चाहिए आप जो वीडियो बनेंगे सारे सारी वीडियो आर पी एफ रिलेटेड बनेंगे या आर पी एफ या ग्रुप डी रेलवे ग्रुप डी के लिए क्वेश्चन बनेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ताकि आपको आसानी हो एग्ज़ाम में हेल्प होने के लिए तो ये वीडियो कैसा लगा आपको आप इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके पास वन टाइम पहुंचते रहें और आप उस वीडियो का लाभ उठाते रहिए थैंक यू फॉर वॉचिंग